सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के विरोध में देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हिमाचल के बैंकों में भी हड़ताल से कामकाज प्रभावित रहा। हड़ताल के चलते दिवाली के दौरान पैसों के लेन देन को लेकर कारोबार प्रभावित होने के आसार हैं। वहीं इसका असर सोलन बैंकों में भी देखने को मिला। सोलन में भी पीएनबी और एसबीआई के बैंकों में स्टाफ द्वारा हड़ताल की गई, जिस कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के विरोध में देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हिमाचल के बैंकों में भी हड़ताल से कामकाज प्रभावित रहा। हड़ताल के चलते दीपावली के दौरान पैसों के लेन देन को लेकर कारोबार प्रभावित होने के आसार हैं। वहीं इसका सोलन के बैंकों में भी काफी असर देखने को मिला। सोलन में भी पीएनबी और एसबीआई के बैंकों में स्टाफ द्वारा हड़ताल की गई, जिस कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहीं बैंक से निराश खाली हाथ लौटने वाले लोगों का कहना है कि बैंक में हड़ताल होनी थी तो इसके लिए आम जनता को कितनी परेशानी हो सकती थी, इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए था। लोगों का कहना है कि त्योहारों का सीजन है, शादियां हैं, ऐसे में हर घर में पैसों के लेन देन की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे में बैंकों का हड़ताल करना लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। तो हमें कंपनी के लिए विड्रॉल करना, फेस्टिव सीजन है, कैश की बहुत ज़्यादा जरूरत है हमारी कंपनी में, तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। कि पहले ही डिसाइड होता था उस तरीके से प्लान करके रखते सब कुछ, लेकिन अब काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये अभी देखते हैं, कुछ और करते हैं कहीं से, दूसरे बैंक से भी कहीं हो सकता है, दूसरे बैंक में भी ये बंद करवा देते हैं केवल जाकर खुद ही, तो उससे पहले देखते हैं कराते हैं कि कुछ क्या होना। इनको पहले इंटीमेशन देनी चाहिए ना कि अब जैसे हमें कम से कम 10 घंटे 12 घंटे पहले दें तो हम उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर भी कर रखें, बट अब जब हो रखी है तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो गई है जी। कर रहे हैं जी, दूसरे अरेंज करते हैं, अपने अरेंजमेंट बाकी देखते हैं। कतोरी जैसे हड़ताल है, हमें अपने बीमारी के लिए वहाँ कहीं ब्याह शादी या कोई और प्रोग्राम, दिवाली सिर पर आ रही है, हमारी जेब में पैसे नहीं है, ट्रांजेक्शन हो नहीं रही है, हम लोगों को कारोबार को चलाने के लिए और अन्य कार्य के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बैंकों में जो है ना गेट लगे हुए हैं, कोई भी क्लरिकल स्टाफ मौजूद नहीं है, और कोई जिसको भी पूछो बोलता है नहीं, हड़ताल है, दरवाजे बंद है। इसलिए हमारी प्रार्थना है सरकार के इस विषय पर कठोर से कठोर कदम उठाया जाए, ताकि जो लोगों को जो है त्यौहार के दिनों में किसी प्रकार की दिक्कत पेश ना आए, और हर प्रकार की सुविधा जो है जो सरकार दे रही है उसका उसकी जो अवेल ना हो रही है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और ताकि लोगों को सुविधा मिले। तो ये था आज दिनभर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधि के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचटेक के साथ। नमस्कार।